गुड मॉर्निंग, वाह जिंदगी, वेलकम। भाई एक बात मुझे बताइए कि मैं रोज आपको इतनी सारी कहानियाँ सुनाती हूँ, आपसे इतनी सारी बात करती हूँ, अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, आपको मेरी स्टोरीज पर विश्वास होता है जो कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ? चलिए आज मैंने आपको एक विश्वास की कहानी सुनाती हूँ, पावर ऑफ फेथ। ये कहानी रिंकू के जीवन की कहानी है। कुछ यूं है कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका इतना मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसड्डी सा था, मतलब कि जो होते नहीं बहुत वीक स्टूडेंट होते, वो मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रिंकू का मजाक उड़ाते थे, कोई कसर नहीं छोड़ते थे उसका मजाक उड़ाने में। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रिंकू को होता ही था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। बहुत डिसअपॉइंट हो गया था वो। अभी वो 10वीं कक्षा में था, उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उसके बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक ने ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जाकर कहीं बैठ जाता है। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। उस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उनफते समुद्र के पास स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांग कर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव की आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए, घबरा गए। हनुमान जी की असमंजता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जानने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति अपने आप आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जाग गया और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हुए। यहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले एक जिस रिंकू की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांग लिया था तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी, सबसे नालायक रहने वाला रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत उसे सरकारी नौकरी मिली, बहुत अच्छी पोस्ट में। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है।
हर सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजर जाने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार बात करते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज की। वो स्टोरीज मैं आपको सुनाती हूँ जो आपको जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाती है, आपकी जिंदगी में खूबसूरत सा बदलाव लाती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, ट्रैवल, बिजनेस, डिफेंस, न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, NRI न्यूज़, उसी के साथ ही साथ अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो OTT इंडिया प्लेटफॉर्म पर यूं ही बने रहें हमारे साथ।